एवरी वेलकम बैक दिस शिम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए 15 डेज चैलेंज फॉर क्लास 10। तो अगले 15 दिन मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, सिर्फ नोट्स अपलोड करूंगा। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, SST के नोट्स होगा, ये नोट्स डेली आपको मिलते जाएंगे। चैप्टर्स के जो चैप्टर्स आपको चाहिए आप वो कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। कुछ तो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो मैंने प्रोवाइड नहीं किए उनके नोट्स आपको मैं दूंगा डेली। और साथ ही साथ एजुकेशनल वीडियोस अभी फिलहाल अगले 15 दिन नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे अगले महीने से एग्जाम चालू होने वाले हैं, आई थिंक एट लास्ट ऑफ सितंबर, और काफ़ी लोगों के भी चालू होने वाले होंगे सितंबर से हाफ ईयरली। तो इसमें अब हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम जैसे ही होंगे बोर्ड एग्जाम लेवल पर ही बेस्ड होंगे। हालांकि एग्जाम स्कूल लेंगे, स्कूल ही पेपर बनाएगा, लेकिन हमें इसमें अपना अच्छा देना होगा। तो इससे हमारा एक तरीके से ये पता लगेगा कहीं ना कहीं कि हमारे कितने परसेंटेज बन रहा है, हमारी क्या पोजीशन है क्लास में। इस वजह से मैंने सोचा आज मैं ये वाला मैंने PDF बनाया, जो कि आपको अपनी स्क्रीन में बगल में दिख रहा होगा। इस PDF मैंने सारे से चैप्टर्स कवर किए हुए हैं जो मेरे उसमें आने हैं। आप चाहो तो इसे कस्टमाइज कर सकते हो खुद से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 15 डेज अगले 15 दिन आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास 15 दिन का टाइम अभी बचा हुआ तो आपको डेली करना है। कुछ भी करो, कोई भी चैप्टर करो, लेकिन डेली आपको कोई ना कोई चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप बगल में PDF देख पा रहे होगे, हिंदी को और कंप्यूटर को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैंने खुद से बनाया हुआ, कॉपीराइट वाली चीज है ये। तो आप प्लीज कहीं और इसे अपलोड मत करिएगा, ना ही अपने चैनल पर, ना किसी टेलीग्राम ग्रुप पर, आप अपने पास रखिएगा ये। और यहाँ पर जैसे मैथ्स का 8 चैप्टर मेरे में आने, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ट्राइंगल्स, ये सब चीजें इसमें ऐड है। बगल में SST का दिया हुआ ग्रीन कलर का, फिर नीचे साइंस का है और फिर इंग्लिश का है। तो ये 4 चीज़ें मेन है जो अगले 15 दिन में हमें ख़त्म करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं मैंने और आपने भी पढ़ ली होंगी, तो वो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जो चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं है उन्हें आप 15 डेज में कर सकते हो। एक तरीके से ये वन शॉट रिवीजन होगा आपका, जिससे कि आपका 15 दिन पहले ही आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कम से कम 40-50% सिलेबस ये जो 15 डेज का चैलेंज है इससे आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो नीचे यस आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज करना, और 15 डेज बाद आकर के अपना कमेंट रिव्यू करना चैलेंज डन, और बताना आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं, क्योंकि इससे आपका काफ़ी फायदा होगा। देखना आपका एक महीने पहले ही आपके जो रिवीजन चलेगा, क्योंकि 15 दिन बाद एक महीना बचेगा, तो एक महीने वो होगा क्लासेस में रिवीजन। तो उस रिवीजन से पहले ही आप पहले ही कुछ रिवीजन कर चुके होगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।